हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने पुराने लैपटॉप को वापस पहले जैसा स्नैपी एंड फास्ट बना सकते हो। सबसे मेन प्रॉब्लम जो पुराने लैपटॉप्स में रहता है कि डिस्क यूजेज आपका 100% पे चल रहा होता है, विंडोज हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड रहती है, जिसके वजह से ऐसा होता है। साथ में अगर आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे जिसमें आपको पता चल जाए कि कैसे मैं खुद से अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लूं, क्या क्या अपग्रेडिंग के ऑप्शन है मेरे पास, कैसे मैं जानूं, तो सही वीडियो पे आप आए हो। वीडियो के अंत तक नहीं रहना। इस वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो प्रूफ के साथ इस लैपटॉप को अपग्रेड करने वाले हैं, जो कि है लेनोवो का आइडिया पैड 520। स्पेसिफिक मॉडल नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अब ये लैपटॉप मेरे एक रिलेटिव का था, और ये ज्यादा पुराना लैपटॉप भी नहीं है। इंटेल का 8th जनरेशन का प्रोसेसर आता है इसमें, और 8GB रैम आती है। बट प्रॉब्लम यही थी कि इसमें 2TB की हार्ड डिस्क है बट नो SSD, और मेरे रिलेटिव भी बोल रहे थे कि भाई इसमें 2TB की हार्ड डिस्क है, बट मैं जानता था कि इसमें SSD नहीं है और विंडोज SSD में इंस्टॉल नहीं है, जिसके कारण डिस्क यूजेज 100% पे जा रहा था और इनका लैपटॉप स्लो हो रहा था। जबकि इनके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है, MX150, जो कि GT 1030 DDR4 वर्जन के इक्विवेलेंट आता है इसका परफॉर्मेंस, तब भी लैपटॉप इतना स्लो था। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए किसी भी लैपटॉप को अपग्रेड करने से पहले, पहले तो आप स्पेकी डाउनलोड करो और CPU-Z डाउनलोड करो। ऐप गूगल पे टाइप करोगे, बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है, उसमें जाके आप रैम स्लॉट्स चेक करो, कितने रैम स्लॉट्स हैं आपके लैपटॉप में एंड कितने रैम स्लॉट्स खाली हैं। आप स्पेकी में भी चेक कर सकते हो, CPU-Z ऐप में भी चेक कर सकते हो, टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस टैब में रैम स्लॉट्स भी चेक कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ना कि वो तीनों ऐप ही गलत दिखाते हैं। मेरे केस में जब मैं इस लैपटॉप में देख रहा था, मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, स्पेकी में दिखा रहा था 4 स्लॉट, CPU-Z में दिखा रहा था 2 स्लॉट, और टास्क मैनेजर में भी दिखा रहा था 4 स्लॉट, जिसमें से 2 ऑक्यूपाइड हैं। बट असल में जब हम लोगों ने लैपटॉप खोला तो उसमें सिर्फ एक ही स्लॉट था जो कि ऑक्यूपाइड था 8GB रैम से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैसे आप कंफर्म हो जाओ लैपटॉप खोलने से पहले ही कि उसमें कितने रैम स्लॉट्स हैं। नहीं तो अगर आपने ऑर्डर करके मंगा लिया रैम और फिर लैपटॉप को खोला और पता चला कि एक ही स्लॉट है, कोई खाली स्लॉट है ही नहीं, तब आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि स्पेसिफिक मॉडल नंबर अबाउट सेक्शन में जाओ, लैपटॉप के स्पेसिफिक मॉडल नंबर गूगल पर टाइप करो, यूट्यूब टाइप करो, और वहां पे डिसअसेंबली देख लो। तो हम लोगों ने भी यही किया और फिर हम लोग कंफर्म हो गए कि इसमें रैम नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, इसलिए हम लोगों ने रैम नहीं मंगाया। अब नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करनी है, अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो उसमें विंडोज 32-bit वाला इंस्टॉल्ड है कि 64-bit वाला इंस्टॉल्ड है। अगर 32-bit इंस्टॉल्ड होगा तो आप 4GB से ज्यादा रैम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 32-bit में मैक्सिमम 4GB ही रैम सपोर्टेड होता है। तो अगर आप 32-bit से 64-bit में जाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में सारा प्रोसेस बताया है। साथ में अगर आप विंडोज 7 से विंडोज 10 में फ्रीली अपग्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो ऑब्वियसली उसमें CD ड्राइव होगा, जो कि अब कोई इस्तेमाल नहीं करता अगर विंडोज 10 में आपका PC है तो, क्योंकि सारे ड्राइवर्स अब ऑनलाइन डाउनलोड हो जाते हैं, तो CD ड्राइव का अब कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आपके लैपटॉप में CD ड्राइव है तो उसको निकाल के आप उसमें SSD लगा सकते हो, 2.5 इंच की SATA SSD। तो हम लोगों ने 1TB का SSD मंगा लिया, क्रूशियल का BX500 सबसे फेमस, आप चाहो तो ज़ेब्रोनिक्स का भी मंगा सकते हो, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। साथ में हम लोगों को यहां पे एक SSD कैडी भी चाहिए होता है, जो हम लोग ऑप्टिकल ड्राइव निकालेंगे उसके जगह पे लगाने के लिए, और उसकी 2 थिकनेस आती है मार्केट में, एक 9.5mm और एक 12.7mm। तो वो आप कैसे चेक करोगे कौन से थिकनेस का है वो मैं आगे बताऊंगा। अब फटाक से हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने इस लैपटॉप को अपग्रेड किया। तो सबसे पहले अपने मॉडल नंबर के हिसाब से आप डिसअसेंबली देख लोगे, इसमें कोर i5 प्रोसेसर था, अब हम लोग इसको पलटेंगे और यहाँ पे इसका CD ड्राइव है। अब ये सारे स्क्रूज जो हैं छोटे-छोटे, ये स्क्रू वाला टूल हमें लैपटॉप वाले कैडी में ही मिला था जो हम लोगों ने मंगवाया, इसकी मदद से सारे स्क्रूज को खोल लेंगे एक एक करके। अब एक स्क्रू इसमें से CD को होल्ड कर रहा था, उसको जैसे ही हम लोगों ने खोला CD वाला ट्रे बाहर आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी थिकनेस को आपको मेजर करना है यहाँ पे स्केल से, या जिससे भी स्केल से मेजर कर सकते हो। अगर 9.5mm के आसपास आया तो 9.5mm वाली कैडी आप ऑर्डर करोगे, अगर 12.7mm वाला आया 12.7mm वाला ऑर्डर करना। तो ये हमारा CD ड्राइव निकल गया। अब हम लोग एक पतला सा कार्ड ले लेंगे, कोई भी पुराना सा कार्ड टाइप का, और उसकी मदद से इस तरीके से लैपटॉप को खोलेंगे ध्यान से। वो सब तो आपने देख ही लिया होगा अपने लैपटॉप के हिसाब से कैसे खोला जाता है। तो इस तरीके से कार्ड डाल के ढीला करके लैपटॉप को खोल लिया बैक हम लोगों ने। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा हार्ड ड्राइव है, ये
ये है हमारी बैटरी, ये है रैम जिसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई है और एक ही स्लॉट है, जैसा हम लोगों ने पहले ही डिसअसेंबली वीडियो में देख लिया था, इसलिए हम लोगों ने रैम नहीं मंगाया। अगर आपके केस में दो रैम स्लॉट है, एक खाली है, तो आप 8GB रैम मंगा सकते हो। DDR3 है कि DDR4 है वो चेक कर लेना पहले स्पेकी ऐप में ही। और साथ में ये CPU का फैन है जो कि एकदम गंदा हो गया, इसको भी हम लोग क्लीन भी करेंगे। और ये वाईफाई कार्ड है, साथ में ये ऑप्टिकल ड्राइव हम लोगों ने अभी उधर साइड से निकाला इस तरीके से, इसकी खाली जगह आप देख सकते हो। अब हम लोग हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे और अपनी SSD जो मंगाई है हम लोगों ने क्रूशियल की PX500 1TB की हार्ड ड्राइव के जगह पे उसको इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। छोटी सी कैडी है, ये हमारी SSD है और देखो दोनों का स्लॉट एकदम सेम होता है, साइज एकदम सेम होता है। 2.5 इंच का SSD भी है, हार्ड ड्राइव भी है। सो ये SSD हम लोगों ने हार्ड ड्राइव के जगह पे वैसे ही करके लगा दी और स्लॉट में घुसा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग लैपटॉप का कैडी निकालेंगे जो कि ऑप्टिकल ड्राइव के शेप का है, उसमें हम लोग हार्ड ड्राइव लगा देंगे। उसमें देखो कनेक्शन के लिए वैसा ही साटा एंड पावर पोर्ट बना हुआ है, उसमें हम लोग हार्ड ड्राइव को घुसा देंगे वैसे ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती कर दी, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने हार्ड ड्राइव घुसाया ये पूरी तरीके से अंदर लॉक नहीं हुआ, इसके वजह से आगे आप देखना वीडियो में कि हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रहा था, सिर्फ SSD शो हो रहा था। तो फिर हम लोगों को वापस लैपटॉप खोलना पड़ा और इसको वापस पुश करना पड़ा ताकि वो लॉक हो जाए, उसमें जाके कनेक्शन प्रॉपर हो जाए। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ये जो आप यहाँ पे गैपिंग देख रहे हो ये बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, तभी पूरा 100% कनेक्शन होगा। अब देखो अगर आपके लैपटॉप में ऐसा कोई ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, सिर्फ हार्ड डिस्क लगा हुआ है एंड कोई NVMe SSD का स्लॉट नहीं है, तो आपको हार्ड ड्राइव को रिप्लेस ही करना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी आपके लैपटॉप में। लेकिन मोस्टली पुराने लैपटॉप में ऑप्टिकल बे आता है जिसको आप निकाल के हार्ड ड्राइव लगा सकते हो और हार्ड ड्राइव के जगह पे SSD लगा सकते हो, दोनों लग जाएगा आपके लैपटॉप में, जैसा इस केस में हुआ। साथ में अब हम लोगों ने थोड़ा साफ कर लिया लैपटॉप को, CPU के फैन को भी साफ कर लिया, बहुत ज्यादा धूल हुआ हुआ था। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑप्टिकल ड्राइव हमारा निकला उसके साइड में एक प्लास्टिक का खांचा बना रहता है जिसको पकड़ के हम लोग बाहर निकालते हैं ऑप्टिकल ड्राइव को, उसको अलग करके कैडी वाले में लगाना है। तो उसमें छोटा सा एक बटन रहता है जिसकी मदद से वो निकलता है, वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ स्लो मोशन में। एंड बिना पावर के आप CD ड्राइव को एक पिन की मदद से खोल सकते हो, वहाँ पे छोटा सा होल होता है उसके अंदर आप पिन डालोगे, बिल्कुल सिम इजेक्टर टूल के जैसा जैसा मोबाइल में आता है, तो CD ड्राइव अपने आप खुल जाएगा बिना पावर के। साथ में आपने जो हार्ड ड्राइव लगाया है उसको आप टाइट कर देना, जो स्क्रू मिले हैं लैपटॉप कैडी में से। अब एक यहाँ पे और चीज है कि ये जो हमारा CD ड्राइव है इसके आगे छोटा सा एक मेटल का पार्ट लगा हुआ है जिसमें हम लोग स्क्रू ऐसे टाइट करते हैं तो CD ड्राइव लॉक हो जाता है लैपटॉप के अंदर, उसको लेंगे एंड उसको सेम ओरिएंटेशन में हम लोगों को लैपटॉप के SSD वाले कैडी में लगाना है वापस, बिल्कुल इस तरीके से। आप देख सकते हो एकदम सेम दिख रहा है, सेम साइज का है, इस तरीके से आप सेम ओरिएंटेशन में लगा सकते हो। और साथ में जो वो पीछे का प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे इस तरीके से और उसी को लगा लेंगे। तो दो चीजें हमें यहां करनी थी, पीछे का प्लास्टिक पार्ट लगा लिया हम लोगों ने कैडी में और साथ में आगे का मेटल वाला पार्ट लगा लिया। अब हमारा कैडी रेडी है वापस इंसर्ट होने के लिए, इस तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया और साथ में बंद कर दिया। अब वापस हम लोग रीबूट करते हैं। अब लैपटॉप को जब हम लोगों ने वापस रीबूट किया तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं, कि कोई भी ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने हार्ड ड्राइव को पूरा अच्छे तरीके से लगाया नहीं था, कनेक्शन बना नहीं था, इसीलिए हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रहा था। और SSD जो हम लोगों ने नया लगाया उसको हम लोगों ने एक बार भी एलोकेट नहीं किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो ऐसे केस में डरना नहीं है, इस केस में हम लोगों को बूटेबल पेन ड्राइव का मदद लेना पड़ेगा जिसमें पहले से विंडोज के सेटअप फाइल्स लोडेड है। सो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप ये सारा प्रोसेस करने से पहले ये बूटेबल पेन ड्राइव बना के रख लेना। एटलीस्ट 8GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए आपके पास, इसलिए बोलता हूँ पहले पूरा वीडियो देख लो, एक एक चीज बतानी रहती है। तो फिर हम लोगों ने बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट करके वापस रीबूट कराया BIOS में जाके, सैंडिस्क USB हमारा वहां पे दिखा रहा था BIOS में, उससे हम लोगों ने बूट कराया तो विंडोज का 32-bit और 64-bit ऑप्शन आने लग गया। 64-bit पे हम लोगों ने एंटर दबाया तो वापस विंडोज का सेटअप फाइल्स लोड हो गया। अब यहाँ पे आप जानते ही हो कैसे करना है, सेटअप स्टार्टिंग, फिर वो एग्री टर्म्स एंड कंडीशन
करेगा। फिर विंडोज 10 प्रो आपको सिलेक्ट करना है कस्टम इंस्टॉलेशन में जाके। नाउ अब हमारा यहाँ पे SSD दिखा रहा है 1 TB का, जिसमें 931 GB खाली है और ये अनएलोकेटेड है, इसीलिए नहीं दिखा रहा था। अब हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मेट करके इसमें दो पार्टीशन बना देंगे 500-500 GB की, इस तरीके से 500 GB 500 GB MB में कैलकुलेट करके। 1 GB में 1024 MB होता है, तो 500 GB में 500 × 1024 MB होएगा। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे MB में साइज डाला और दो पार्टीशन बन गए हमारे। फिर उसके बाद एक पार्टीशन में हम लोगों ने विंडोज को इंस्टॉल कर दिया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने 1000 बार बता रखा है, इस तरीके से ये बार बार रिबूट होगा। और साथ में ध्यान रखना कि हमारा लैपटॉप ऑफ नहीं होना चाहिए, चार्ज में लगा के रखना। और इस तरीके से गेटिंग रेडी, ऑलमोस्ट डन, ये सब आपको पूछेगा, ये सब तो पहले बता ही रखा है मैंने। नया विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो को आप देख सकते हो। और ये हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल हो गया, एवरीथिंग फाइन, सेवरल मिनट्स ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। और साथ में जैसे ही आप अपना लैपटॉप को नेट से कनेक्ट करोगे वाईफाई का पासवर्ड डाल के, वैसे ही अबाउट सेक्शन में आप जाओगे और विंडोज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेता है लैपटॉप के मॉडल नंबर के हिसाब से। और एक्चुअली में मैंने अपने रिलेटिव से ही इसको अपग्रेड करवाया है, तभी आप देख रहे होगे कि 4 हाथ आपको दिख रहा होगा वहां पे, 2 मेरा है 2 उनका है। मैं उन्हीं से करवा रहा था कि आप ही कीजिए, तभी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा डर कम लगेगा कि मैंने लैपटॉप को खोल दिया। बहुत सारे लोगों को डर लगता है ना कि ओ मैंने खोल दिया, अब वापस ऑन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि कोई भी ड्राइव नहीं दिखा रहा था वापस रिबूट करने के बाद। ऐसे केस में आदमी डर जाता है, तो मैंने एक एक केस आपको बता दिया है कि क्या करना है। और कुछ भी ना दिखाए तो अपने पास वो बूटेबल पेन ड्राइव तो हमेशा रहना ही चाहिए, जिसमें विंडोज 10 के सेटअप फाइल्स हों। साथ में यहाँ पे हमारा लोकल डिस्क सी भी आ गया, 499 GB का। और दूसरा हमारा ये ESD USB है जो SanDisk का, जिसमें हम लोगों ने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था। अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव नहीं दिखा रहा था, तो हम लोगों ने वापस लैपटॉप को खोला और बाद में पता चला कि यार वो हार्ड ड्राइव ठीक से हम लोगों ने कनेक्ट ही नहीं किया था अच्छे तरीके से, और फिर वापस लैपटॉप को बंद किया तो ऑटोमेटिकली वापस रिबूट होने पे हमारा हार्ड ड्राइव भी शो होने लगा विद आवर डाटा। बाकी 5 ड्राइव्स देख सकते हो, ड्राइव के पार्टीशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 TB टोटल स्टोरेज हो गया है, 1 TB SSD का और 2 TB हार्ड डिस्क का। और लोकल डिस्क C और D जो है वो हमारे SSD वाले पार्टीशन है, और बाकी जो EF, GH और I है वो सारे हार्ड ड्राइव वाले पार्टीशन है। आप यहाँ पे डिटेल में देख भी सकते हो डिस्क मैनेजमेंट में, डिस्क 0 हमारा SSD है, डिस्क 1 हमारा हार्ड डिस्क, जिसमें पहले विंडोज इंस्टॉल थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊं दिमाग वाली, कि जो हमारा सी ड्राइव था पहले वो हार्ड ड्राइव का था, जो कि ई ड्राइव था, जब हम लोगों ने SSD सी और डी वाला नहीं लगाया था, तब हमारा ई ड्राइव ही सी ड्राइव था, जो कि हार्ड डिस्क था जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल था, जिसके वजह से स्लो बूट होता था। बट अब हम लोगों ने SSD लगा दिया है और उसमें विंडोज नया इंस्टॉल कर दिया है, तो वो हमारा सी ड्राइव बन गया है और एक और SSD का पार्टीशन डी ड्राइव। और जो पुराना विंडोज 10 है अभी भी हार्ड ड्राइव में है ई ड्राइव में, तो अब हम लोगों ने बूट प्रायोरिटी में बायोस में जाके SSD को प्रायोरिटी नंबर 1 पे सेट कर दिया है, ताकि SSD से हमेशा बूट हो, ताकि हमारा लैपटॉप तेज चले। और डिस्क यूजेस जो 100% होता था उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके केस में कि आपके हार्ड ड्राइव में हो सकता है बहुत सारा ऐप हो, बहुत सारे डाटा हो, और बहुत सारे ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हो पहले से ही, और आप चाहते हो कि एग्जैक्टली क्लोन हो जाए SSD में और फिर मैं SSD से बूट करवाऊं, ताकि मुझे वापस सारी चीजें इंस्टॉल ना करना पड़े। तो अगर आपको क्लोन करना है हार्ड ड्राइव के सी ड्राइव को SSD के सी ड्राइव में, जो कि आप नया लगाओगे एग्जैक्ट, और फिर उससे बूट करवाना है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। पुराना PC था मेरा जिसमें Pentium G4400 लगा हुआ था और 8 GB की RAM थी, उसमें भी हार्ड डिस्क 100% यूजेज वाला प्रॉब्लम था और 5 से 10 मिनट लगते थे PC को चालू होने में, और उसके बाद लोड होने में 10 मिनट, मतलब 20 मिनट लगते थे PC को प्रॉपरली बूट होने में। ज्यादा से ज्यादा आपका 3000 के आसपास, 3500 के आसपास खर्चा होगा, और उतने में ही आपका लैपटॉप पुराना जो है वो एकदम चिकना मक्खन की तरह चलने लगेगा। 1500 का आप पकड़ लो 240 GB का, 250 GB का साटा SSD, साथ में 1500 का ही 8 GB RAM आता है, अगर डेडिकेटेड RAM स्लॉट है तो वो लगा सकते हो आप, और साथ में 200 रुपीज का SSD कैडी आता है। सारे पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां से बाय करोगे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एक और वीडियो में लाने वाला हूं इससे भी पुराने लैपटॉप के रिगार्डिंग, जिसमें इंटेल का i3 सेकंड जनरेशन है और 2 GB DDR3 RAM है, कैसे मैंने विंडोज 7 से उसको विंडोज 10 में अपग्रेड किया। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो अगर आपका कोई फायदा हुआ तो। बाकी PC बिल्ड स्टोर भी हमारा बहुत जल्द खुलने
निकलने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड जाते जाते फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो। वहां पे हम लोग कैजुअल सा लाइव गेमिंग करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।